हजारों साल से धर्म पर सिर्फ कुछ प्रतिशत लोगों का ही आधिपत्य रहा है। इसी कारण लोगों में ऊंच नीच की भावना पनप गई है। स्कूलों में अगर शिक्षक बिना भेदभाव के धर्म के बारे में सही से पढ़ा दें तो छात्रों को इसके लिए अपने माता पिता पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए धन ही भगवान है और कुछ लोग लक्ष्मी माता की पूजा धन प्राप्ति के लिए करते आ रहे हैं। दीपावली क्यों मनाई जाती है, इसमें लक्ष्मी गणेश का क्या महत्व है पूजन का, आइए जानने की कोशिश करते हैं। भगवान राम जब वनवास से लौटे थे तो सबसे पहले लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की थी। लक्ष्मी जी विष्णु जी की पत्नी है, तिथि सिद्धि गणेश जी की पत्नियां हैं। दिवाली के दिन हम लोग मिट्टी के दिए जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, झालरों से घरों को सजाते हैं और शाम को हम लोग लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करते हैं। उसके बाद हम लोग पटाखे छुटाते हैं। यह सारी खबरें भारत ही नहीं विदेशों के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कवर किए जाते हैं। दिवाली की मिठाई देकर हम सफाई कर्मचारियों से बाहर का कूड़ा करकट साफ करा लेते हैं। मंदिर में जाकर हम पूजा के दिए, फूल, राख, मूर्तियां सब कायदे से रखाते हैं कि उसे पुजारी सही जगह पे ले जाकर रख देंगे। हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है, एक शेर है, अंधेरे के हम सफर को कोई याद नहीं करता, अंधेरे के हम सफर को कोई याद नहीं करता, सुबह होते ही चिरागों को बुझा देते हैं लोग। अगर एक भी मूर्ति गिर गई तो बाकी लोग भी वहाँ अपनी मूर्तियाँ रखना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे वहाँ पे कूड़ा भी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। मंदिरों के अलावा पीपल के पेड़ के नीचे भी मूर्तियों को रखने का चलन काफ़ी प्रचलित है। लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 के पास स्थित इस पीपल के पेड़ के नीचे भी लक्ष्मी गणेश जी की कुछ मूर्तियाँ लोग रख जाते हैं। पेड़ के चारों तरफ बने चबूतरे का इस्तेमाल अक्सर लोग बैठने के लिए करते हैं। मंदिर और पीपल के पेड़ के अलावा लोग पॉलीथीन में भरकर मूर्तियों को सड़क के किनारे छोड़ आते हैं। सड़क के किनारे रखी गई इन मूर्तियों को तमाम तरह की गंदगियों का दिन भर सामना करना पड़ता है। हर जगह टॉयलेट्स हैं नहीं और न कोई रोकने वाला, इसलिए लोग ऐसी ही जगहों का इस्तेमाल करते हैं अपनी सुविधा अनुसार। जितने प्यार से हम घर में मेहमान को बुलाते हैं, क्या हमारा फर्ज नहीं है कि उससे ज़्यादा सम्मान दे के उसे विदा करें। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियों का हम इतना पूजन वंदन अर्चन करते हैं, उनको इतना आदर देते हैं, फिर क्यों अचानक हम उन्हें इतना अनादर देते हैं। घर हो चाहे मंदिर, जूते चप्पल हम उतार कर पूजा करते हैं, परंतु यहाँ पे रखी मूर्तियों के पास लोग दिन भर जूते चप्पल पहन के निकलते रहते। दिन रात सड़क से उड़ती हुई धूल और गाड़ियों से निकलते हुए धुएं की तो बात ही क्या है। मूर्तियों के अगल बगल इकट्ठा हो गए कूड़े में आवारा जानवर आकर अपने भोजन की तलाश करते रहते हैं। पूजा में इस्तेमाल की गई मूर्तियों को पवित्र नदियों में भी डालने का चलन है। जरा गौर से देखिए इन महाशय कैसे जेब से निकालकर पॉलिथीन में रखी हुई कुछ चीज को नदी में डाल रहे हैं। नदियों की सफाई के लिए सरकार न जाने कितना पैसा खर्च कर चुकी है, परंतु मूर्तियों और पूजन सामग्री को लगातार
नदियों में डालते रहने से क्या ये कभी साफ हो पाएंगी? हमारे जन्म के समय ये नदियाँ कैसी थीं और हमारे मरने के बाद हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को कैसी नदियाँ देके जाएंगे? नदियाँ नालों में तब्दील हो गई हैं, भविष्य में इन नालों को हम क्या नाम देंगे, ये भी सोचना एक बहुत कठिन कार्य है। नदी में पाए जाने वाले कछुए, मछलियाँ, इन्हें भी तो भगवान ने बनाया है, क्या होगा इनका? पुल से फेंकी गई मूर्तियाँ जो नदी के तट पर गिरती हैं, वहाँ भी गंदगी में आवारा जानवर अपना भोजन तलाशते हैं। नदी के घाट पर भी तमाम लोग मूर्तियों को डाल जाते हैं। धीरे धीरे यहाँ भी कूड़ा इकट्ठा हो जाता है और जानवर भोजन की तलाश में आ जाते हैं। गीली मिट्टियों की मूर्तियाँ तो आसानी से पानी में गल जाती हैं और मिट्टी में मिल जाती हैं, परंतु इसको रंगने के लिए इस्तेमाल किया गया कलर बहुत ही हानिकारक हो सकता है, खासकर चाइनीज़ मूर्तियाँ आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बने। अमीर गरीब दोनों धन के लिए लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, क्या धनी लोग भी मूर्तियों को फेंक देते हैं? हो सके तो धातु की मूर्तियां बनवा लें अथवा मंदिर और सरकार द्वारा बताए गए स्थानों पर ही मूर्तियों का विसर्जन करें। धन्यवाद।